Hello, sir. Good afternoon. Thank you so much, Ida. I'm here. Sir, school colleague baat hai. Sabse first point, sir. School mein bahut sara problem ho raha hai. Woh chiz ko leke. To kuch problem aisa hai. Library ko leke ek issue hai. किसी भी स्कूल में लाइब्रेरी का नहीं होने से शायद स्टूडेंट लोग भी अपना नॉलेज को ब्रॉड नहीं कर पाएगा और नॉलेज अचीव नहीं कर पाएगा. इसलिए इसके बाद फिर से कंप्यूटर क्लास के ऊपर बहुत सारा ये जो बाकी स्कूलों का नहीं, जो बस्ती का जो अंदर का जो स्कूल है उन लोग का ऊपर बात करें, कंप्यूटर क्लास अगर हो सके तो उसका ऊपर भी. और सर कोचिंग को लेके, सर कोचिंग का शायद हाँ हो सकता है इम्पोर्टेंस, लेकिन जैसे कि सर बोला है कि सर बेसिक जो बहुत ज़रूरी है बोल के, तो हम लोग का जो टीचर को लेके थोड़ा सा इशू है. टीचर जो आता नहीं है फिर स्टूडेंट तो कैसे भी नॉलेज गेन करेगा. वो चीज़ को लेके आई थिंक सर सिर्फ हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं, लेकिन हमको लगता है पूरा हमका स्टेट या फिर पूरा जगह में होना चाहिए. टीचर को इतना परसेंट या फिर इतना दिन तक आना चाहिए, नहीं तो आप लोग का कुछ चीज़ रिस्ट्रिक्शन होगा या फिर कुछ ऐसे होगा बोल के. नहीं तो टीचर तो कभी आता नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में कभी टीचर नहीं आता, ये रियलिटी है सर. और ये एक इशू है जिसका ऊपर में सर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, वो है सर पॉल्यूशन को लेके. हम लोग बहुत ये चीज़ को इग्नोर करें, बट हम लोग ये एरिया में ही नहीं, बाकी सब में भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है धीरे धीरे. और इवन कॉलेज एरिया ही तो अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी पर भी इधर भी बहुत सारा हो रहा है सर. अगर आप रिसाइकल वाला चीज़ अगर लेके आ सके तो ये पॉल्यूशन को लेके, स्कूल का इशू को लेके, टीचर लाइब्रेरी और कंप्यूटर क्लास इसको लेके सर अगर आप देख पाए तो. आपका नाम क्या है? जी सर पुगा मंतन. हेलो, ठीक है, थैंक यू. ना एक रिप्लाई बोल के नहीं, बहन को हम जस्ट एक आइडिया बता देगा ना. मैंने लाइब्रेरी का बात किया ना, लाइब्रेरी जो बोला है अच्छा क्वेश्चन है. आई थिंक ये अच्छा चीज़ मेरे हमको पर्टिकुलर पूछा है ना, क्योंकि ऑलरेडी एज ए पर्सन एज ए इंडिविजुअल हम लाइब्रेरी खोल के रखा हुआ है. हाँ, ये आप लोग को आइडिया नहीं होता होगा, वो लाइब्रेरी भी हम प्राइवेटली खोला है, नॉट गवर्नमेंट एडेड कि गवर्नमेंट हमको कोई फंड दिया है. आप लाइब्रेरी खोलो ईटानगर में 0 पॉइंट में डिपार्टमेंटल स्टोर बोल के है मेरा, उसका पीछे में एनी लाइब्रेरी है एंड इट इज रनिंग फॉर मोर देन 7 ईयर्स. अभी नहीं कि हम इलेक्शन के लिए कल परफेक्ट खोला है, 7 ईयर्स से वो एनी लाइब्रेरी बोल के चल रहा है. छोटा सा लाइब्रेरी है, उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितना भी होता है ना सबका बुक्स अवेलेबल है. APCS लो, आपका APPSSB लो ना, UPSC लो, सबका अवेलेबल है. हाँ, तो मोट हम तो यही बोलेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से तो देते हैं, पता नहीं क्या होता है ना, लेकिन हर एक इंडिविजुअल ना कोई भी सोसाइटी के आगे आके एक एक लाइब्रेरी भी खोल सकता है ना. एंड लाइब्रेरी के बारे में जो मेरा मैनिफेस्टो था ना जब हम डिक्लेयर किया था, उसमें हम बोला था कि हर एक विलेज में एक लाइब्रेरी खोलना मेरा ड्रीम है एज ए पर्सन ना. ये ऑलरेडी हम बोल चुका है. सेकेंड तो कंप्यूटर का जो है ना उसमें टेक्निकलिटीज बहुत है, कंप्यूटर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा भी जाता है और कोई टेक्नीशियन भी होना पड़ेगा जो बच्चा को पढ़ाता है ना, तो ये सब लॉजिस्टिक इशू रहता है. लेकिन क्यों नहीं, हम तो पहले भी आइडिया दिया है जहां हम लाइब्रेरी खोलेगा ना उसके साथ में कंप्यूटर सेंटर भी खोलेगा, जहां लड़का आगे पढ़ भी सकेगा कंप्यूटर सीख भी सकेगा ना. तो ये ऑलरेडी मेरा मैनिफेस्टो में भी है. तो अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है थर्ड टीचर का ना, तो उस डोमेन में हम नहीं जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा चीज़ है ना कि टीचर आता है नहीं आते ना ये चीज़ भी, लेकिन आप लोग ही सॉल्व करना है. आप लोगों को पता है कि वहाँ में कौन टीचर है नहीं है ना, वो क्यों अटेंड नहीं कर रहा है, तो ये आप लोग खुद पहुँचना चाहिए. जैसे कि आप लोग भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है एक विलेजेस का ना, आपका बस्ती में टीचर है तो वो स्कूल क्यों अटेंड नहीं कर रहा है, ना उसका कोई जान पहचान हो कि ना ऊपर लेवल में हाई लेवल में है बोल के अटेंड नहीं कर रहा है, तो उसको आप लोग क्वेश्चन करो, आप लोग का राइट है क्वेश्चन करने का ना. तो आई थिंक उसको तो हम विलेज लेवल में रख देगा, क्योंकि हर एक बस्ती में ना स्कूल लेवल कमेटी होता है कुछ ना, जहाँ पे विलेजर्स भी इन्वॉल्व होता है, पंचायत मेंबर भी इन्वॉल्व होता है ना, ये उसका डोमेन है. थर्डली पोल्यूशन का बोलेगा ना, तो जस्ट पोल्यूशन के बारे में ऐसे बोलेगा कि सबसे पहले अपना वे ऑफ लाइफ को हम लोग चेंज करो ना, उसके बाद दूसरा को क्वेश्चन करो ना. आज भी देखो यहाँ पर सब खा के प्लास्टिक बॉटल वो फेंक के चला जाएगा ना, उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि पोल्यूशन को हम लोग ध्यान नहीं देते, हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, ये वे ऑफ लाइफ है आदमी का ना. जापानीज वे ऑफ लाइफ नहीं बोलते क्या, जो प्लास्टिक बोतल को यहाँ डालेगा वहाँ डालेगा ना, सेग्रीगेट करता है, तो आप लोग भी सेग्रीगेट करना शुरू करो. सर नंगो क्वेश्चन है, हम मुनगा 31 वेस्ट तो मुनगा बोलो आलो बोला हायर सेकेंडरी आलो बदो दुको आई और 30 आई आलो बदो दो नेहरू मेम सिंह आलो बदो दुको आई और मुख 30 वेस्ट होगा
मुग हक बाग्र बोलो बेन बोलो मुग यो हायर सेकेंडरी को सिंह काम आई अम नो यो मुद वासे मतर गया एकदम राइट क्वेश्चन पूछा है ना मुर्गा जो हायर सेकेंडरी का जो बोला है ना ये कंसेप्ट भी आप लोग सोच के देखो ना जैसे कि उसमें कितना कैपेसिटी का हायर सेकेंडरी खोल के होना चाहिए तो ये जो दरका और बागरा में भी ना आई थिंक उसमें हायर सेकेंडरी का स्कूल का सेंक्शन भी है लेकिन क्वेश्चन ये हो जाता है कि ना कभी वहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने जाएगा ना उसमें टीचर प्रोवाइड करना पड़ता है साइंस हिस्ट्री में हो जाता है आर्ट्स होता है ना तो हम तो यही बोलते हैं कि हर एक जगह खोलने से अच्छा क्वालिटी वाला खोलो ना। अभी देखिए कि देखो जो हम लोग स्कूल का प्रॉब्लम मैंने बोला है ना क्या प्रॉब्लम है ऐसे आ गया ऐसे आके हर जगह में स्कूल खोल लिया प्राइमरी स्कूल खोल लिया वहाँ में टीचर तीन तो है स्टूडेंट दो है तो क्वालिटी नहीं है मतलब नहीं है ना खोल के उससे अच्छा ऐसा वाला खोलो जिसमें आप लोग जैसे कि बोला आज यहाँ में सब मिल रहे हैं ना तो हम पहले भी एक एग्जांपल दिया था पबदी में ना पबदी विलेज में पहले क्या होता था कि इंटर विलेज स्कूल होता था ना तो वैसा टाइप का खोलो वहाँ में एक 100-bedded स्कूल बॉयज़ का खोलो गर्ल्स का खोलो ना सब बच्चे से उसमें एनरोल करो तब क्या होगा कि उसमें क्वालिटी भी रहेगा दूसरा क्या रहेगा ना हर एक बच्चा आके हर एक विलेजेस का बच्चा से मिलेगा। अभी हम लोग का क्या हो रहा है कि पाया बस्ती का बच्चा लोग छोटा वाला पाया में रह रहे हैं तो मेंटल ग्रोथ नहीं हो रहा है। आप लोग अभी जीपीसी में है यहाँ भी देखो आप लोग का काफ़ी फ्रेंड होगा हर एक ट्राइब का भी आ रहा है ना हर एक टाइटल का भी आ रहा है। आप आरजीयू में जाओ पूरा अरुणाचल का मिलेगा आप दिल्ली में जाके पढ़ो पूरा इंडिया का मिलेगा तो आई थिंक ऐसे करके हम लोग को ग्रोथ प्रोसेस होना चाहिए। तो जो हायर सेकेंडरी का भी हम भी वही देख रहे हैं ना आलो हायर सेकेंडरी को और अच्छे से क्यों नहीं मॉडल बना देते हैं ऐसे अगर आप लोग इलेक्ट करता है ना तो हम तो आलो हायर सेकेंडरी में और फंड डालेगा लेकिन अपना दर का बगरा इस प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल में ना उसको बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट स्कूल हम बनाना चाहते हैं ना यही ओके गुड इवनिंग सर मेरा नाम कार्के नांगू है सर मतलब कि मेरा तो ये आपका मतलब कि रियल मोटो क्या है ना ये इलेक्शन में करा होने का ऐसे तारती वेस्ट का मतलब हम लोग पहले सुना था कि आप यूथ का ऊपर काम कर देगा बोला था तो वो हो जाएगा तो बाद में जैसे कि हम लोग अभी यहाँ में सब कॉलेज में लास्ट ईयर वाला इसके बाद अचानक से आप नहीं जीतते हैं बोलने से भी आप वो काम को कर सकेगा मतलब आपका तरफ से करने का ट्राई कर देगा पुताप कर देगा क्या दूसरा एमएलए जीतने से भी सर ये था क्वेश्चन मेरा अभी तक थैंक यू बेटा हारने का तो नहीं सोचा था इनकेस वो होता भी है तो एज ए पर्सन ना जब हम पॉलिटिक्स में आया है तो एज ए लीडर आया है हारने से भी आप लोग का लीडर ही रहेगा ना जीतने से भी आपका लीडर रहेगा। देखो कोई ना कोई तो हारेगा जीतेगा तो एक ही पर्सन लेकिन एज ए लीडर ये मतलब नहीं कि हार के आप लोग के लिए हम स्टैंड अप नहीं कर सकते। अगर हम जीतता है तो आप लोग का जो पॉलिसी प्रोग्राम है ना आप लोग का जो इश्यूज़ है उसको हम आगे ले जा सकते हैं लेकिन हारता भी है तब भी हम आप लोग का इश्यू ईजिली ले जा सकते हैं ना। तो एज ए पर्सन तो हम वही बोलेगा कि हारो जीतो हम आप लोग का लीडर ही रहेगा ना आप लोग वो मिर्ग लाई बेच सकता है मासी है वहाँ में कुछ होने से भी हम लोग उसको बोल सकते हैं ना। थैंक यू दे।